समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आजम और उनके परिवार को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब आजम पर एक और बड़ा आरोप लगा है। दरअसल लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। इस जांच की आज सपा सरकार में वक्फ मंत्री रहे आजम खान तक पहुँच सकती है। जानकारी के मुताबिक वक्फ बोर्ड में हुई कई गड़बड़ियों और अनियमितताओं के तार आजम खान के कार्यकाल से जुड़ रहे हैं। सीबीआई को जांच में ये भी पता चला है कि मंत्री रहने के दौरान आजम ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड का जमकर दुरुपयोग किया था। वहीं सीबीआई को सौंपे गए एक रिपोर्ट में आरोप लगे हैं कि रिजवी के खिलाफ दर्ज मामलों में आजम के दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीबीआई शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड से जुड़े कई दस्तावेजों और जांच रिपोर्टों की पड़ताल कर रही है। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से रामपुर में कई कीमती जमीनें आजम की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए 1 रुपए सालाना की लीज पर देने के दस्तावेज भी शामिल हैं। सीबीआई को ये भी जानकारी मिली है कि रामपुर में यतीमखाना, ईदगाह समेत कई वक्फ संपत्तियों को आजम, उनकी पत्नी और करीबियों को 1 रुपए सालाना की लीज पर 30 साल तक के लिए आवंटित कर दिया गया। इस मामले में सीबीआई जल्द सुन्नी वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी में है। वसीम रिजवी को जल्द पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई सेंट्रल वक्फ काउंसिल की ओर से की गई एक जांच रिपोर्ट का भी अध्ययन कर रही है। इसमें वक्फ बोर्ड की ओर से बरती गई तमाम अनियमितताओं, संपत्तियों को लेकर हुए खेल और दूसरे गड़बड़ियों का जिक्र है। सीबीआई की जांच अभी जारी है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आजम भी इस मामले में लपेटे में आ रहे हैं। ऐसे में जेल से निकलने का सपना देख रहे आजम खान अब इस मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।